चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमात् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषमहांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमात् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त्य चरित्राय स्वसंतानं च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। हरिभार्षभानविदेवे दयिताय कृपाद्वये कृष्णासमन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुजे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरविभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पदुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रदाजयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुज श्रीराधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव भ्रष्टनिभिसिंहमान स्मरामि। श्रीमानिरासरसारम्भे वत्सिवाटतटस्थित कर्षणमेनुसनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवनळ सम संसार दहने दग्ध जीव गीता वाचा
गगने रहे न मगना महामद मने रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेम बंदिसै गुरु शरण कमल सदर तजिनि विग्रह सेवने इंगर हियार मंदिर मार्गने करिन निजुत अनुरा सजने बंदिसै गुरु शरण कमल सर्व दुसलिंग प्यार समय प्रसाद Thank you.
श्री कृष्ण चैतन्य चंद बोले Oh,
Yeah.
Thank you.
पंडित जी Yeah.
Thank you.
हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरां दश्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय हरद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री बैण राजा जब सृष्टि हुए बहुत बड़ा अधार्मिक बने, अधार्मिक राजगद्दी में बैठते ही इतने अभिमान अंदर में आ गए, बोले खबरदार मेरे देश में कोई भगवान का नाम कीर्तन यज्ञ कुछ भी नहीं कर सकता है, हैं? और जो कुछ करना मेरे लिए करना, क्योंकि जो राजा हैं कहते राजा को अंदर में सारे देवता लोग राजा को अंदर में विद्यमान रहते हैं। जो व्यक्ति राजा को छोड़ करके दूसरे देवता देव को पूजा करेगा, जैसे एक सती नारी जैसे अपने पति को छोड़ करके, ठीक ठीक बैठो, पति को छोड़ करके ये धुआं कहाँ से आ रहा है? हाँ, इसलिए जैसे कि सती नारी अपना पति को छोड़ करके अगर किसी परपुरुष को अगर सेवा करती हैं, जैसे इसके लिए घृणित और निंदनीय मानी जाती हैं, उसी तरह कभी ये राजा को अंदर में सारे देवताओं का विद्यमान है। अब तुम लोग मेरे को छोड़ करके यज्ञ और अर्चन पूजा कर रहे हो, इसलिए खबरदार कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इतने में जब जगत में अधर्म होने लग गया, ऋषि लोगों ने समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसने जब समझा नहीं, ऋषि मुनियों ने किया क्या, हुंकार करके उसको खत्म कर दिया, तो राजा नहीं रहेगा तो जगत में फिर अराजकता फैल गई। फिर ऋषियों ने सोचा क्या करनी चाहिए, फिर उन्होंने उनकी जो माता का नाम थी सुनीता, उसने तेल डाल करके उसके अंदर में उनको शरीर को रखा था। जब उनका जंघा को मंथन किया कर निषाद प्रकट हुए, हैं, देखने में सुंदर नहीं, हैं, असुंदर थे देखने में, इसलिए उनको बोले, जब उनने पूछा मेरा क्या कर्तव्य, बोले तुम निषिद्ध मतलब बैठ जा, इसलिए उससे हो गया निषाद। हाँ, जैसे भगवान राम का निषाद भी मित्र थे, कहते ये लोग सब जंगल में रहते हैं, हाँ अभी भी जंगल में जो निषाद जाति अभी वो जंगल में निवास करते हैं। फिर देखा क्या करनी चाहिए, फिर उनको बाहु को मंथन किया, कहते कारण ही जो क्षत्रियों का बाहु में, हाँ, कहते क्षत्रियों का बाहु में, हाँ क्या बोलूं, संसार में परित्याग कहाँ गया, कहते क्षत्रिय का जो बाहु में भगवान का जो प्रभाव है वो विद्यमान रहता है, इसलिए जब उनने बाहु को उन्होंने मंथन किया, फिर उसने एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुआ है। जो पुरुष प्रकट हुआ है उनका नाम रखा पृथु। पृथु नाम किस लिए पड़ा, बोले प्रथिता इति पृथु। पृथु मतलब होता है जो जगत में
अपना जस को विस्तार करेगा, इसलिए उनका नाम हुआ पृथु। और दूसरा का नाम हो गया अर्ची। हैं कभी जो अर्ची कौन है, कभी अर्ची, अर्ची मतलब तो उपासना है। कभी ये देखने में बड़ी सुंदर दीप्यमान थी, और भूषण का भी जो भूषण रूपा है ये अर्ची जगत में विख्यात होएगी, और भक्ति द्वारा भगवान को भी वशीभूत करेगी, इसलिए उनका नाम अर्ची पृथु और अर्ची प्रकट हुए। उसको बाद में प्रसयतिष्म विप्रा गंधर्व प्रवराज गो मुमुचुहो सुमन धारा सिद्धा नृत्यंची स्वस्त्रीय। जब अर्ची पृथु प्रकट हुए, प्रकट होने पर स्वर्ग से जितने देवता लोग सबके सब उनको ऊपर में पुष्प वृष्टि वृष्टि किए। बोले श्री पृथु महाराज की, बोले अर्ची देवी की, हैं कर सबके सब प्रशंसा कर रहे थे। गंधर्व लोग हैं सबके सब नृत्य कर रहे थे, सुमन की धारा को वृष्टि कर रहे थे, और स्वर्ग का जितने देवताएं सब सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे थे। जो नृत्य कर रहे थे इतने में ब्रह्मा जी इनको शरीर में जो लक्षणों को देखा, सब भगवत हैं, भगवत भगवान का शरीर में जो लक्षण है वो सब चिन्हों का देखा। उनने क्या देखा, बोले उनका दक्षिण हाथ में चक्र का चिन्ह है। अब अपना हाथ में देख लो, किसका हाथ में चक्र चिन्ह है, इसलिए जिनका हाथ में चक्र चिन्ह होगा कहते हैं भगवान की अवतार है। उनका दक्षिण हाथ में विष्णु का चक्र का चिन्ह देखा, और उनका चरण में पद्म है, हैं कहते उनके चरण में पद्म चिन्ह देख करके वो समझ गए ये पृथु महाराज कोई साधारण नहीं, ये विष्णु का अंश में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। इसलिए उनको बड़े सुंदर अर्ची और पृथ्वी को अभिषेक किया। अभिषेक करके देखो जो हाथ और पैर है ना, इसमें सारे रेखा इसके अंदर में, अगर सचमुच से किसको सारे चीज पता है रेखा का क्या क्या चिन्ह है, आप उससे सब कुछ बता सकते हैं। आपका भाग्य क्या होने वाले हैं, आपका भविष्य क्या बनने वाले, आपका हाथ रेखा के, हाथ के एक एक रेखा में जो एक छोटी छोटी चिन्ह भी है ना, उसका भी कुछ कुछ काम है। इसलिए रामायण में आता है स्वयं शंकर जी और काकभूषणी चले गए कहाँ, प्रभु को दर्शन करने के लिए पहुंचे कहाँ, अयोध्या में। अभी प्रवेश किए और गए तो अभी भगवान ने राम जन्म लिए, अभी अंदर में ही तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे बात, वो शंकर काकभूषण था, शंकर सब कुछ जानते हैं, हैं वो सब कुछ जानते हैं। जिसको देखा है बोले अरे तुम, तुम्हारे भाग्य की क्या सीमा, अब तो दशरथ महाराज की आंगन में राजमहल में रहती है उनका दासी तुम्हारी। बोले बात सब जानते हैं, और सब जान शंकर जी क्या नहीं थे, सब जानते हैं। पूरा हल्ला हो गया, कहाँ से एक ज्योतिष आया जो एक बार देख लेना सारे बात बता देता है। फिर तो उनको कई 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 कौशल्या ने बुलाया, बोले उनको बुला हमारे राजमहल में, हमारे लाला का भी हाथ देख करके बताए इसका भविष्य क्या। बस पहुँच गए शंकर जी और काकभूषण जी, अरे खूब दर्शन किया, ठाकुर जी को गोद में लिया, लेकर के सारे चिन्ह भगवान की बता करके सारे लक्षण बताए ये क्या होने वाले, क्या इनका भविष्य है, लेकिन कुछ बात बताया नहीं। बोले इसलिए नहीं बताए उनका वनवास भी होगा, दशरथ महाराज भी शरीर छोड़ेंगे, ये बात को नहीं बताया है। बोले अभी चिन्हों को छोटा छोटा चिन्ह दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा होने पर ना, ये हाथ बड़ा बड़ा चिन्ह होगा तो फिर उनका गुण प्रकाश होगा। इसलिए यहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी भी ये हाथ का चिन्ह देकर चरण चिन्ह में ये सारे हमारी भविष्य इसमें लिखा हुआ है, हैं? इसलिए देखो ज्योतिष शास्त्र में ये जो रेखा ना भाग्य रेखा है, ये जो भाग्य रेखा है, हैं? ये पुरुष लोगों के लिए सीधा हाथ में, माताओं के लिए उल्टा हाथ में। अगर ये भाग्य रेखा कहते ये जो रेखा है, हाँ हृदय रेखा और जो अपना जो मन रेखा को अगर कोई क्रॉस करते हुए अगर उसको ऊपर चली जाए उसका समझो भाग्य बहुत अच्छा है। कहते अगर ऊपर जाकर त्रिशूल रूप धारण करता है, जाकर उसको त्रिशूल रूप धारण करता है तो तीन जगत में सर्वत्र उसको प्रशंसा हो, ये ज्योतिष का नियम अनुजाए। और भाग्य में कहते ये ज्योतिष में बताया गया, और जो तुम्हारी जो पैसा की जो रेखा है ना मनी ट्रैवल रेखा उसमें भी बताया गया, अगर इधर कोई इधर करके रेखा भाग्य रेखा तो ये, अगर इधर कोई रेखा जाए इधर भी कोई रेखा जाए खूब पास में खूब पैसा उसको पास में बहुत पैसा आएगा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी देख करके बता दिए इनके हाथ में चक्र है
आप देखना किस किस के हाथ में भी साधारण लोग के अंदर छोटे छोटे चक्र होता है, अगर चक्र होगा तो आपको पता चलेगा इसका जो महिमा। चक्र मतलब एक दिन बहुत सारे स्थान को उन्हें दखल करने वाले, मतलब उनका अधीन होने वाले बा जगत में उसकी प्रशंसा होने वाले, उस चीज से पता चलता। अब भी अपना अपना हाथ में देख सकते हो, ब्रह्मा जी देख कर बता रहे हैं। प्यार में भी चिन्ह होता है, जो भाग्य रेखा प्यार में भी दाखिल कर सीधा गया प्यार के ऊपर में, देखना सबको प्यार में चिन्ह होता है कुछ ना कुछ चिन्ह, अगर सीधा अगर गया तो रेखा आपको पता चलनी चाहिए उसका भाग्य अच्छा है, हैं? सारी रेखा यहाँ पर ब्रह्मा जी सारी बात बता दिए। इतने में उनकी अभिषेक किया है, अभिषेक करने पर कहते उनकी नदी गिरी समुद्र नाग गो खग मृग सब के सब इनकी उनको अभिषेक उनको सब के सब उनको उपहार प्रदान किया है। अभी राजा और रानी जब सुंदर वस्त्र धारण करते हुए जब विराजमान हुए, जैसे दूसरे जैसे सूरज जैसे ऐसे चमचमा रहे थे, क्योंकि साक्षात भगवान का ये अंश अवतार ये सिर्फ प्रतिमा है। ये राजा रानी सब सब देवता लोग भी इनको तरह तरह का उपहार दिए, बोले सुत मागत और बंदी हैं। हम पहले सुना था सुत मागत और बंदी, कहते जो तीनों हैं, एक तो जस गान करते हैं, एक व्यक्ति उनका पूर्वजों का गान करते हैं, और एक व्यक्ति उपस्थिति जो विषय है उसको ऊपर में उसको गान करते हैं। सुत मागत बंदी इन लोगों ने बड़े सुंदर पृथ्वी महाराज अर्ची की स्तुति कर रहे थे, जो स्तुति कर रहे थे। लेकिन देखो एक महापुरुष का लक्षण यहाँ बता रहे, बोले क्या महापुरुष का लक्षण है, जब उनको गुणगान किए इतने में उसको सुन करके पृथ्वी महाराज सहन नहीं कर सके, उनको सहन नहीं कर सके, बोले बोले देखो अभी जगत में मेरा कोई गुण प्रकाशित नहीं हुआ है और उसको पहले ही तुम लोगों ने मेरा प्रशंसा करने लग गए, अगर तुम लोग जो बोल रहे हो अगर मैं भविष्य में उसको पूरी नहीं कर पाया तो अब तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ गुण प्रकाशित नहीं हुआ पहले वो अगर नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, इसलिए मिथ्या रूप में वो वाक्य मिथ्या रूप में जगत में प्रतिष्ठित होगा। इसलिए जब हमारे अंदर में गुण का प्रकाश होगा तभी मेरे गुणगान करना, अभी क्यों गुणगान कर रहे हो। कहते भगवान को अंदर में है, कहते जितने निंदनीय व्यक्ति भी उपयुक्त न है, भगवान ने दिव्य गुण थकते अमर मत भगवान, अगर गुणगान करना तो भगवान का गुणगान करो। इसलिए कहते भगवान का इतना सुंदर गुणगान रहते हुए मेरे क्यों गुणगान कर रहे हो। देखो यहाँ पर क्या बात कहते हैं, जगत में ऐसे कुछ लोग है जो निष्कपट निष्कपट है, जिनका हृदय उन्नत है, बड़े प्रभावशाली है, लेकिन ये लोग भी अपना प्रशंसा नहीं सुनते हैं, हैं? प्रशंसा नहीं सुनते हैं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है उसको गर्व करते, बोले नहीं हमारी प्रशंसा को नहीं करनी चाहिए। तेजीवान व्यक्ति भी अपना स्तव को सहन नहीं करते हैं, हैं? इसलिए कहते जो अपना आत्मस्तुति करते हैं और अपनी आप अपना जयगान को सुनते हैं, क्या वो मृत के बराबर है, वो मृत बराबर मृत व्यक्ति के बराबर। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर जो व्यक्ति अपना आत्म प्रशंसा सुनकर बड़े खुश होती है, हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, दुनिया को कहते हमारे गुणगान करो, हैं, हमारी गुणगान करो, कहते ये सही नहीं, ये एकदम बेकार है, हैं, इसलिए कभी भी अपना गुणगान को नहीं सुननी चाहिए, हैं। इसलिए हम देखा हमारे जो भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज, अगर उनको सामने एक समय क्या हुआ, हमारे पद्मनाभ महाराज एक समय उनको गुरु जी रहते समय बोल दिए, बोले हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि एक महाभागवत के अनुगत में भजन कर रहे हैं। हे गुरुदेव बिगड़ गए, बोले तुमने कैसे समझा हम महाभागवत है, तुमने कैसे समझा मैं महाभागवत हूँ, तुमने कैसे समझा महाभागवत हूँ, क्योंकि महाभागवत ही महाभागवत को पहचान सकते हैं, न देव देव मर्चेत, देवता के बगैर देवता को कोई पूजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते ना जौहरी जौहरी चीनी, जो सोनार होता है वही सोना को पहचान सकता है। क्या तुम महाभागवत, तुमने कैसे पता चला मैं महाभागवत हूँ,
तुम क्या महाभागवत हो गया, तुम्हारे को पहचान गया। इसलिए गुरुदेव ने पूरा डांट लगा दी। इसलिए कहते महापुरुषों का एक लक्षण है, वो कभी भी अपना आत्म प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं। जो सुनना चाहते हैं ये हमारी जयकार सबके सब जय जय लगाए, हमारा सब जयकार, ये सही चीज नहीं, ये गंदी चीज है। इसलिए ये पृथ्वी महाराज स्वयं कह रहे, ये भगवान के अंश, ये अंश बता रहे, लेकिन इनकी खुद भी अपना प्रशंसा को सुनने के लिए मना करते हैं। अगर जो अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहते उसको समझो इनके अंदर में कुछ वैष्णवता है, कुछ इनके अंदर में वैष्णवता है। लेकिन इनकी बात सुनकर के ना सब खुश हो गए, बोले नहीं सचमुच से इन गुणी व्यक्ति है, हैं? जैसे इसका आगे जैसे बैठ, वो किसने कहा नहीं भगवान की जगह पर कुछ जो कुछ करना मेरे लिए करना, जय काम तो मेरे को करो, हैं? लेकिन यहाँ पर भगवान की अंशावतार होने पर भी अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। इसको सुन करके वहाँ देवता लोग, ब्रह्मा जी और जितने लोग थे ना, बोले सचमुच ये महापुरुष आदमी हैं, नहीं तो कभी ऐसे बोल नहीं सकते। इसलिए वो लोग प्रसन्न हो गए हो करके, लेकिन तब भी उन लोगों ने उनकी स्तुति किया है, बोले प्रभु आप तो भगवान की हैं सत्यावेश अवतार है, अपना महिमा हम क्या आपकी महिमा गान कर सकते हैं, भगवान का महिमा थोड़ी कोई गान सकता है, हम असमर्थ है। इसलिए आप तो ब्रह्मादि की भी अगम्य वस्तु हैं, आप तो समदर्शी हो, पृथ्वी की जैसे पृथ्वी का स्वभाव जैसे सबको सहन करते हैं, आपका अंदर में ये सब गुण विद्यमान हैं, आप तो हरि का अंश, इंद्र न्याय, आप वायु वर्षण करके आप प्रजा को रक्षा करो। जब ऐसे बोल रहे थे पराक्रम युक्त अंतर्ज्यामी रूपे अवस्थान कर रहे हैं, प्रजा रंजन सत्य संकल्प ब्राह्मण का हित करने वाले, वृद्ध व्यक्ति को सेवा करने वाले, सबको मान देने वाले, अब तो दीनवत्सल हो, अब तो परदारे मातृवर, प्रजाजने पुत्रवर, साधु पालक असाधु निकट में जम सदृश है, जे जे स्थाने प्रदक्षिण करेंगे उसी समस्त स्थान इंद्र वरुणादि लोकपाल नृपतिगण शुल्क प्रदान करेंगे। इसलिए बड़े उनको बड़े सुंदर सुंदर उनको स्तुति कर रहे थे, अब तो प्रजा पालन करेंगे हैं, सत्य असमृद्ध यज्ञ करेंगे, इंद्र अगर अश्व चोरी करेगा तो उसको ऊपर में हैं उसको ऊपर दंड प्रदान करेंगे, ऐसे उनको बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते करते इतने में जब स्तुति कर रहे थे, फिर इतने में जब उन्होंने राजगति पर उन्होंने उपस्थित हुए, उसी समय में प्रजा लोग सबके सब आए, बोले महाराज हम लोग सबके सब भूखे मर रहे हैं, हम सबके सब हम भूखे मर रहे हैं, आप कुछ व्यवस्था करो, क्योंकि ये पृथ्वी में जो कुछ वृक्ष लगाते हैं वो कोई पेड़ नहीं होता, वो पृथ्वी सबके सब हरण कर लेती है। इसलिए हाहाकार करते करते प्रजा लोग आए, हम लोगों को रक्षा करो, हमको रक्षा करो। जब इतना बोले, इतने में पृथ्वी महाराज ने सोचा पेड़ तो लगाते हैं, वृक्ष तो लगाते हैं, लेकिन फल ही नहीं होता है, वो बीज को पृथ्वी क्या करती है सबके सब खींच लेती है। तो उन्होंने सोचा ऐसे क्यों हो रहे, उन्होंने बैठ करके ध्यान किए, ध्यान करते हुए उन्होंने देखा ये पृथ्वी क्या करती है, सबके सब को अपहरण कर लेती है, अपहरण कर लेती है। जान करके उनको अंदर बड़ा क्रोध आया, क्रोध आया तो उन्होंने अपना धनुष उठाया, धनुष उठाकर भगवत का सत्यापेश अवतार, धनुष उठाकर उन्होंने पृथ्वी के ऊपर में एकदम बाण मारने के लिए तैयार हुए, बोले हे पृथ्वी तुम्हें एकदम तसनस में कर दूंगा। जो उन्होंने बाण उठाए इतने में तो पृथ्वी कांप उठी, है पृथ्वी कांप उठी, कांप उठकर पृथ्वी एक गो रूप धारण की है, पृथ्वी ने एक गैया सुंदर गैया रूप धारण करते हुए वहां से पृथ्वी भगी, वहां से जब भगी पृथ्वी महाराज ने उसको उन्होंने पीछा किया, वो गैया जहां जा रही थी पृथ्वी महाराज उसको पीछा नहीं छोड़ रहे थे, सब जगह पर उनको छोड़े नहीं, जब छोड़े नहीं लास्ट में इतने में पृथ्वी देखा इनका हाथ से तो बचना बड़ा कठिन है, इतने में उसने वहीं पर उसने खड़ी हो गई। खड़ी हो करके इतने में पृथ्वी महाराज ने बोले, बोले तुम कौन हो, बोले मैं पृथ्वी हूं, बोले तुमने ये सस्य को अपहरण क्यों कर लेती हो, जो कुछ पेड़ पौधा लगाते हैं आप हरण क्यों कर लेती हो,
बोले महाराज इसलिए मैं हरण कर लेती हूँ, ये आपसे पहले जो राजा था वो था बैल, ये बड़े अनीति अधर्मी की राजा थी और स्वयं प्रभु की भजन नहीं करता था, दूसरों को भी प्रभु की भक्ति करने नहीं देता था, ये कोई भगवान को मानते नहीं थे हैं। इसलिए नियम है अगर बच्चे कभी गलत रास्ता पर जाए, पिता माता शासन करते हैं ना, इसलिए गलत रास्ता पर जा रहा था, इसलिए मैं शासन करते हुए सारे बीज को मैंने अपहरण कर लिया। लेकिन ये सारे को सारे बीज, पृथ्वी का एक नाम रत्न गर्भा भी है, बोले सारे को सारे बीज मेरे हृदय में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तब एक उदाहरण देते हैं, जैसे गया से अगर कोई जोर जबरदस्ती दूध लेना चाहते हैं असंभव है, गया कब दूध देती है, पहले बछड़े को छोड़ देती है, हैं बछड़े को छोड़ देती हैं, बछड़े जाने पर स्तन जब पीना लगती हैं, अपना सर मारती हैं, पूछ उठाती हैं, उसकी मैया फिर गैया बछड़े को चाटती रहती हैं, चाटने पर उसका हृदय प्रेम में द्रवीभूत होता है, पर हृदय जब प्रेम में द्रवीभूत होती है फिर जा करके गैया कहीं दूध प्रदान करती है, उसको पहले दूध नहीं देती है। इसलिए आप जोर जबरदस्ती पृथ्वी से कुछ ग्रहण करना चाहोगे नहीं हो सकती है, इसलिए आप मेरे अंदर में रत्नगर सब कुछ सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर में विद्यमान है, इसलिए अगर आप इसको पाना चाहते हो हैं, अगर पाना चाहते हो तो ब्रीही जवादी औसत सृष्टि करिया छे किसने, कहते यहाँ ब्रह्मा जी लोक संसार लोक को पालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहते यज्ञादि संपादन जन्य जे सकल ब्रीही जवादि औसत सृष्टि करिया छे, ब्रह्मा जी जो कुछ उन्होंने जगत को पालन करने के लिए जो कुछ उन्होंने सृष्टि किया है, मैंने देखा वो सकल वस्तु असदाचार व्यक्ति हैं, सब के सब दुराचार व्यक्ति उसको भोग कर रहे। देखो यहाँ पर कितने अच्छी बात बताते हैं, ये पृथ्वी जब देखेगा जगत में भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, इसलिए जिस समय भगवान बराह अवतार में उनने जब उनने पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन की और उसका धुरी पर स्थापन की, जब मनु महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की उसी समय में, अभी सृष्टि आरंभ हो गई, पृथ्वी में सृष्टि हुई उसी समय में, पृथ्वी देवी को भगवान कहते हैं, अभी तो जीव अभी सृष्टि होगा पृथ्वी में ही जगत में रहेगा, भगवान कहते तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ऊपर में तो जीव रहेंगे ना, उसको तुम्हारा क्या चाहिए, पृथ्वी कहती है मैं एक चीज चाहती हूँ, पृथ्वी का सृष्टि का मालिक आप हो, जो कुछ जगत में हम देख रहे हैं भगवान ने सृष्टि किया है सब कुछ है, अगर ये पृथ्वी का लोक अगर आपका शरणागत होएंगे, आपका भक्ति करेंगे, मैं इसी से भी संतुष्ट होगा, क्योंकि जगत को सृष्टि करने वाला आप। इसलिए आप देखना जब अक्षय तृतीया आती है ना, अक्षय तृतीया दिन है यहाँ पर क्या करते हो, हम मथुरा में रहते थे जब, कहते सबके सब उसी दिन क्या करते हैं, सबके सब गेहूँ सत्तू पंखा फल और सबके सब गेहूँ और कुंजा में पानी भर करके मटकी में सबके सब मंदिर में दे जाते थे, सबके सब हाँ दे जाते थे, बोले क्यों, कहते ये सब पानी किसने दिया है, कहते ये सब फल फूल किसने दिया है, भगवान दिया है ना, इसलिए ठाकुर ने सब कुछ दिया है, उसकी कृपा से ही हमें मिल रहा है, इसलिए हम लोग ठाकुर जी की से ऋणी है, इसलिए सबके सब दे कर जाते हैं। इसलिए पृथ्वी कहती है बोले हे प्रभु तभी मैं संतुष्ट रहूंगी जब ये जीव सबके सब तुम्हारे भजन करे, यही मैं चाहती हूँ, है यही मैं चाहती हूँ। इसलिए आप पहले पहले सब लोगों को देखो यही करते थे, घर घर में ठाकुर है, घर घर में ठाकुर तुलसी पूजा होती थी, सारे गांव सब पहले यही सब थी, सवेरे नहा धो करके लोटे में पानी लाकर सबसे पहले तुलसी में देते थे, तुलसी परिक्रमा करते थे, सवेरे उठ करके ठाकुर का आरती गीता रामायण भागवत पढ़ना सब पहले यही काम करते थे। लेकिन ये धीरे 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 कलयुग होने का नाते धीरे धीरे ये सब के सब धीरे धीरे से खत्म होते जा रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर कहते ये जैसे हम विदेश में जाते हैं ना, कहते विदेश में पहले यही सब था, लेकिन धीरे 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 काल प्रभाव का कली की प्रभाव से धीरे 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 ये सब के सब धीरे 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 खत्म होते जा रही हैं, और जो विदेशी कल्चर अभी भारत में आ रहे हैं, आप लोग सब बड़े बूढ़े हो इसलिए तो आपके अंदर अभी का जो नए नए लड़के हो रहे हैं उनके अंदर में कोई भावना है,
कोई भावना नहीं उनके अंदर में। आप लोगों का बच्चों के अंदर में है, इसलिए आप लोग मंदिर में आ रहे हो, और बच्चे धीरे धीरे मंदिर में आ रहे हैं, इसलिए इनके अंदर में ये भक्ति देखने को मिलती है। जिनको पिता माता आती नहीं मंदिर में, उनका बच्चों को जाकर देख लो, कोई भावना नहीं बच्चों के अंदर, कोई भावना नहीं इनके अंदर में। उनके पास में बस स्मार्टफोन है, हैं इंटरनेट है पास, यही यही उनके पास में भगवान हो गए। इसलिए यहाँ पर स्वयं ये पृथ्वी कह रही है, ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोगों को देखा भगवान ने, जो अपना संतान के लिए सृष्टि किया, इसको दुष्ट लोग भोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने सारे वस्तु को मैंने अपहरण, सबके सब मैंने अपहरण किया है। हाँ कहते ये बैन आदि सृष्टि जन्म लेकर के ये सब के सब मेरे को भगवान को अनादर, पृथ्वी को अनादर किया, इसलिए मैंने भविष्य यज्ञ रक्षा के लिए औषधि को मैंने ग्रास कर लिया है, हैं इसलिए आमी अनादरित हो ची, मेरे को ये सब के सब अनादर किए हैं, ये सब के सब चोर हैं, ये बैन राजा चोर दुष्ट था, इसलिए मैंने अपहरण किया है, इसलिए सबके सब सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर में जीव विद्यमान है, मैं जीव कल्याण के लिए सबके सब सूक्ष्म रूप में रखा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो क्या करो, इसको बछड़ा बनाओ, जैसे बछड़े के बगैर गैया दूध नहीं देती हैं, उसी तरह मेरे अंदर में भी सब कुछ विद्यमान, अभी इसको आप लोगों ने बछड़ा किसको बनाओ, किसको बछड़ा बना करके आप लोगों ने क्या करो, सबके सब मेरे अंदर से प्राप्त कर सक दोहन कर सकते हो, इसलिए पृथ्वी के सम। और इतने में बोले आप एक काम करो पृथ्वी महाराज को, आप ये पृथ्वी को समतल बनाओ पहले, क्योंकि जैसे पानी, जैसे खेती तभी तो होगा जब समतल होगा ना, पानी आएगा तभी तो कहीं टिकेगा, इसलिए पृथ्वी महाराज ने उन्होंने बाण से उनने सब जगह को उनने समतल बनाया। लेकिन आप लोगों ने चंबल देखे हो, चंबल जब गाड़ी में चलते हो ना, चंबल देखे हो कि नहीं, वहाँ पर कैसे है ओवरखावड़ है, वहाँ पर कहते हैं उनने सब जगह को तो समतल बनाया, लेकिन वहाँ कुछ बाकी रह गया है, जो स्थान को उन्होंने कहते हैं चंबल में जो डाकू लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ उबड़ खाबड़ से पृथ्वी, वहाँ उबड़ खाबड़ देखोगे हैं, कहते उसके बल उसी स्थान को नहीं बना सके, इसलिए वो स्थान अभी भी वो उबड़ खाबड़, लेकिन पृथ्वी में और कहीं भी जाओगे देखोगे स्थान को देखो समतल बना हुआ है। कहते इसको किसने किया है, बोले ये पृथ्वी महाराज ने, इसको पृथ्वी महाराज ने की थी। स्थिति सुने सर्वतावस्था, इसलिए उन्होंने अभी यहाँ पर सुना, उनने किसको बछड़े बना करके कौन कौन व्यक्ति पृथ्वी से क्या क्या रत्न को प्राप्त किया है, बोले स्वयंभूव मनु को वत्स रूप में ग्रहण करके, कहते पानी रूपी पात्र में कहते पानी पात्र में कहते जितने तरह का औषधों को हैं, कहते औषधों को उन लोगों ने दोहन कर लिया। बछड़ा रूप में ग्रहण कर, कहते स्वयं स्वयं भूव मनु को इनको बछड़ा बनाया, हाँ और इनको बछड़े बना करके कहते पानी पात्र में, पानी पात्र क्यों होगा, पानी पात्र में जितने औषध हो निखिल औषध को उन्होंने दोहन कर लिया। ऋषियों ने किसको बछड़ा बनाया, मतलब बृहस्पति है, ऋषियों ने कहते बृहस्पति को उन्होंने बछड़ा बनाया, ऋषिगण बृहस्पति के इंद्रिय रूपे इंद्रिय रूपी पात्र में, इसलिए कहते उन्होंने बृहस्पति को बछड़ा बना करके अपना इंद्रिय रूपी पात्र में उन लोगों ने किया, किस चीज को दोहन किया, बोले वेद रूप दुग्ध को उन्होंने ग्रहण किया, वेद रूप ऋषि लोग थे ना, इसलिए उनका जरूरत वेद है ऋषियों का, इसलिए उन्होंने वेद रूप दुग्ध को ग्रहण कर लिया। स्वयंभू किसने बनाया था बच्चों, कहते देव वृंदा, कहते देवताओं ने किसको बछड़ा बनाया, बोले इंद्र को, देवता लोग इंद्र को बछड़ा बनाया, और हिरणमय पात्र में, हिरणमय पात्र में उन्होंने पृथ्वी से किस चीज को ग्रहण किया, बोले मान शक्ति इंद्रिय देह है
इसलिए देह शक्ति इस चीज को इन लोगों ने देव वृंदा ये सब चीज को पृथ्वी से ग्रहण किया है। कहते दानव लोग बछड़े किसको बनाया, बोले प्रहलाद को। दानव का राजा प्रहलाद है, उन्होंने प्रहलाद को उन्होंने बछड़े बना करके कहते लोहे पात्र में इन लोगों ने सूरा आसव रूप दुग्ध उन लोगों ने ग्रहण किया। देवता लोग कौन पान क्या करते हैं, इसलिए जिसकी जो मन में इच्छा थी ना वो वही चीज प्राप्त। उन लोगों ने सूरा है, सूरा मतलब शराब, और आसव रूप दुग्ध, आसव भी एक तरह का शराब है उन लोगों को, इसलिए राक्षस लोगों का इसी प्रिय है, इसलिए उन लोगों ने वो चीज को उन लोगों ने ग्रहण कर लिया। कहते गंधर्व और अप्सरा लोग, गंधर्व और अप्सरा उन्होंने विश्वावसु को उन्होंने वत्स बनाए, विश्वावत्सु को वत्स बना के पद्ममय पात्र में मतलब कमल रूपी पात्र में इन लोगों ने कहते गंधर्व संभदिनी गान है। कहते गंधर्व अप्सरा क्या करते हैं, बड़े सुंदर गाते हैं, हम कहते ना गंधर्व जैसे गा रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने क्या लिया बड़े सुंदर गान है और माधुर्य सौंदर्य, हम कहते ना ये अप्सरा जैसे देखने में सुंदर है, इसलिए उन लोगों ने वहां से बड़े सुंदर सुंदर गान माधुर्य सौंदर्य को उन लोगों ने दोहन कर लिया। कहते पितृगण इन लोगों ने क्या पृथ्वी से ग्रहण किया और बछड़ा बनाया उन्होंने अर्ज्य माँ के, पितृलोक अर्ज्य माँ के उन्होंने बनाया बछड़ा और मृणमय पात्र, मृणमय मतलब होता है मिट्टी। कहते उन्होंने मिट्टी पात्र में पितृलोक ने क्या किया, कहते अन्न रूप दुग्ध, अन्न रूप दुग्ध को दोहन कर लिया। कहते सिद्धगण इन लोगों ने बोले श्री कपिल देव के बछड़ा बनाया, कपिल देव को बछड़ा बना करके जो अनिमादि सिद्धि अनिमा प्राप्ति प्राज्ञान ये अष्ट सिद्धि और ये नवनिधि होता है, हैं ये अष्ट सिद्धि नवनिधि में ये अनिमा जो अनिमा जानते हो अनिमा क्या होता है, अनिमा लघिमा प्राप्ति, हाँ जैसे हनुमान के अंदर में है जैसे वो इच्छा किया था तो छोटे बछड़े जैसे बन गया और अंदर में जाना चाह रहा था, इतने में बोले तू कौन हो मेरे आंख में धूल दे करके जाना चाह रहे हो हैं, फिर तो हनुमान जी विशाल रूप, इसलिए उसमें इतने शक्ति पानी के ऊपर चल कर जा सकते हो, अगर यहाँ बैठे हो ना यहाँ बैठे बैठे इसका मन में क्या चल रहा है सब बोल सकते हो, कौन क्या क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ बैठते हुए भी यहाँ एक रूप में बैठे, अब घर में भी और एक रूप धारण करके बैठ सकते हो, हाँ जितना इच्छा रूप धारण कर सकते हो, सूर्य का किरण दे करके सूर्य तक चले जाओगे, चंद्रमा लोक में चले जाओगे, हैं यहीं बैठ करके कौन क्या हो रहा है आग बंद करके सब बात को बोल दोगे। ये इस अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य, कहते इन लोगों ने सिद्ध लोगों ने इस सब को ग्रहण कर लिया। बोले विद्याधर इन लोगों ने आकाश रूपी पात्र में, पात्र क्या बनाया आकाश रूपी पात्र में खेचरत्वादि विद्या को ग्रहण कर लिया। खेचर मतलब आकाश में जो उड़ते हैं है? जो आकाश में उड़ते हैं इन लोगों ने आकाश इष्टों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। किम पुरुषो मयाभिगण मय नाम गदन, इसलिए यहाँ पर बहुत 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 बात बताया किसको किसको बछड़ा बनाया और उन्होंने किस क्या क्या को ग्रहण किया है, क्योंकि पृथ्वी से सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त कर सकते हो, वत्स करे पृथ्वी थे के सो सो पात्र पृथ्वी को दूध दोहन करे, पृथ्वी संतुष्ट हो, पृथ्वी को नीचे कन्या रूप ग्रहण करे। अभी इन्होंने इसको देख करके पृथ्वी महाराज संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर के उन्होंने पृथ्वी को अपना बेटी रूप में, पृथ्वी को उन्होंने अपना बेटी रूप में ग्रहण किया है, हैं दुग्ध कराए स्त्री भागेर अनुचित स्वहस्त दंड विधान मातृ अनुचित पृथ्वी प्रति वात्सल्य व्यवहार कन्या रूप ग्रहण। उनने उनको कन्या रूप में क्यों ग्रहण किया, कारण क्या था, बोले कारण है इन्होंने हैं कहते इनको अंदर में पिता अर्ची और पृथ्वी के अंदर में पृथ्वी का प्रति है इनको ऊपर में हाँ श्रृंग संग चूर्ण विचूर्ण कर चले पृथ्वी घोष पूर्वे ये सब छिलो हाँ। अभी उन्होंने ये सब को ग्रहण करते हुए पृथ्वी महाराज ने पहले जो बताया जितना
गिरी सिंह था उनको एकदम चूर्ण विचूर्ण करके उनने समतल किया। समतल करते हुए फिर सृष्टि को सुंदर रूप में सुचारू रूप में उन्होंने जगत को उन्होंने अच्छे तरह से जगत को स्थापना करते हुए जगत को उन्होंने अच्छे तरह से उन्होंने चलाया था। इसलिए हाँ इसलिए इनका नाम पृथु है। पृथु मतलब जो जगत को सुंदर रूप में जगत को जो परिचालना किया। बोले श्री पृथु महाराज की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भाई बंद कर दो। हाँ तुम लोग कुछ पढ़ करके आए हो ध्रुव महाराज की कथा को। ध्रुव महाराज की कथा को श्यामानंद प्रभु।